बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम अकाउंटिंग कन्वेंशन को डिस्कस करेंगे। अपने पिछले लेक्चर में हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, जो बेसिकली दो ग्रुप्स थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हमने बता दिया था कि ये बेसिक कंडीशंस होती हैं जो किसी भी जिस पे अकाउंटिंग बेस कार्य होती हैं, जो अकाउंटेंट को यूज़ करते हैं अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हुए। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में। अकाउंटिंग कन्वेंशन बेसिकली ये कस्टम या ट्रेडिशंस होती हैं जो गाइड कर रही होती हैं अकाउंटेंट को, जब वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहा होता है कंसर्न पार्टीज को, जिसमें आपके इन्वेस्टर्स आ गए, कंपनी के ओनर आ गए, क्रेडिटर्स आ गए, जब जनरल पब्लिक आ गए, जब उनको इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो जो ट्रेडिशन या कस्टम आपको गाइड कर रहे होते हैं उनको कन्वेंशंस का नाम दिया जाता है। बेसिकली दीज आर द कस्टम्स ट्रेडिशंस विच गाइड एन अकाउंटेंट वाइल कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। डिफरेंट इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है, जिनमें से कन्वेंशन कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी और कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी है। इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। इस कन्वेंशन के मुताबिक जो अकाउंट्स रोल फॉलो करती है वो ये रूल है कि अगर आज कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो और आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको इससे प्रॉफिट होगा या ये अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन फ्यूचर में आपको लॉस देगी, हो सकता है कि फ्यूचर में इस ट्रांजैक्शन से आपको लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए, तो ये अकाउंटिंग कन्वेंशन कहती है कि अगर प्रॉफिट होगा तो आप उसको आज प्रॉफिट को आज रिकॉर्ड नहीं करोगे जो आपको लगता है कि फ्यूचर में होगा पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन से। लेकिन यही अगर आपको लग रहा है कि उस जो आज ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो ये फ्यूचर में आपको लॉस देगी, तो वो जो लॉस आप एंटिसिपेट कर रहे हो उस एंटिसिपेटेड लॉस को आज आप रिकॉर्ड कर उसको रिकॉर्ड आज कर लो, लॉस को रिकॉर्ड कर लो, पॉसिबल लॉस, लॉस एक्चुअल में हुआ नहीं है, हमें लग रहा है कि फ्यूचर में ये पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन हमें लॉस होगा इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की वजह से, तो उस लॉस को आप आज रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अगर लग रहा है कि इस ये जो ट्रांजेक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं या जो आज रिकॉर्ड कर रहे हैं इससे हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, तो वो प्रॉफिट आज रिकॉर्ड नहीं करते इस कन्वेंशन के मुताबिक। ये कन्वेंशन कहती है, अगर एग्जांपल की बात करें, बेसिकली ये कन्वेंशन अकाउंटेंट को किस पॉलिसी पे अमल कराती होती है, प्लेइंग सेफ पे। अगर वो लॉस जो आपको लग रहा है फ्यूचर में होगा उसको आप आज ही रिकॉर्ड कर लोगे, तो फ्यूचर में जो इकट्ठा लॉस आज उस जो लॉस अभी एक्सपेक्टेड है उसको बियर करने के लिए आपने आज ही अपनी अमाउंट में से पैसे निकाल लिए होंगे, तो वो आप इजीली बियर कर सकोगे, सेफ रहोगे आप। लेकिन अगर आपने उस लॉस को रिकॉर्ड नहीं किया और अचानक से वो लॉस जो एक्सपेक्टेड भी था लेकिन हो गया, तो उसको उस साल का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, कंपनी को वो लॉस बियर करना पड़ेगा। ये कन्वेंशन बेसिकली कहती है, इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली अगर इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली आप कैसे रिकॉर्ड किया जाता है इन्वेंट्री अपनी, मोस्टली हम कहते हैं कि कोई भी, हमने पिछले अपनी बात की थी प्रिंसिपल्स में, कहा था कि कॉस्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि आप कोई भी एसेट हो आप उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। ये इस ट्रेंड कन्वेंशन के मुताबिक ये कहती है कि अगर इन्वेंट्री है आप उसको उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड ना करो, उसकी वैल्यू पे कॉस्ट, अगर कॉस्ट पे कॉस्ट वैल्यू है, अगर इन्वेंट्री है इन्वेंट्री की जो कॉस्ट वैल्यू को देखो और मार्केट वैल्यू को देखो, जो वैल्यू कम हो उस पर इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया जाए। वो जो प्रिंसिपल की हम बात करें तो बेसिकली जो प्रोडक्ट एसेट परचेज किया है उसको तब रिकॉर्ड करने के लिए, जब एसेट परचेज होगा तब उसको किस वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाएगा, वो कॉस्ट पर होगा चाहे तब इन्वेंट्री ही होगी। लेटर ऑन जब आप इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो तो इन्वेंट्री किस वैल्यू पे आप उसको रिकॉर्ड करोगे या किस वैल्यू पे उसको कंसीडर किया जाएगा, तो अगर मार्केट वैल्यू पे देखोगे आप, उसकी कॉस्ट वैल्यू पे देखोगे, तो जो वैल्यू कम होगी उस पे रिकॉर्ड कर लोगे, क्योंकि हम
फ्यूचर वाले लॉस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, फ्यूचर वाले प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते हैं। सिमिलरली ये प्रोविजन कहती है कि अगर आपको बैड डेट्स हो जाते हैं या डाउटफुल डेट है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी नेम मिस्टर ए था, उसको चीज़ें सेल की, उसको प्रोडक्ट सेल की 10,000 के, उसको प्रोडक्ट कंपनी कपड़े बनाती क्लॉथ बनाती, उसको क्लॉथ सेल कर दिए, उधार पे सेल किए, हम कहते हैं ऑन क्रेडिट सेल की है। जब उसको क्रेडिट पे चीज़ें सेल की हैं कंपनी ने मिस्टर ए को, अब उसने पैसे हमें देने हैं, एक हमने कहा उसको 15 जनवरी को हमने चीज़ें सेल की, उसने पैसे हमें अगले साल देने, सपोज नेक्स्ट ईयर में पे करना है, उसने कहा मैं आपको नेक्स्ट ईयर इसकी पेमेंट करूँगा 1 जनवरी को 2017 में, ये हमने 16 में सेल किए थे उसको। साल ख़त्म हुआ, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें लगा कि मिस्टर ए जो होगा वो अगले साल तो पैसे दे ही नहीं पाएगा, वो तो हमें इतने पैसे कम देगा या बिल्कुल पैसे नहीं देगा। मिस्टर ए बेसिकली हमारा डेटर है, वो लोग जिनसे कंपनी ने जिनको चीज़ें सेल की होती हैं और जिनसे पैसे लेने होते हैं वो कंपनी के डेटर होते हैं, जिनको उधार पे चीज़ें बेची होती हैं वो कंपनी के डेटर होते हैं। अब उससे अब हमारे डेटर हमें एक्सपेक्टेड है कि डेटर जब पैसे नहीं देगा, एक्सपेक्टेड है कि अब डेटर पैसे नहीं देगा, एक तरह का फ्यूचर में हमें लग रहा है कि लॉस हो जाएगा। वो जो फ्यूचर का लॉस आज की ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन तो इसी साल की थी ना, सेल तो उसी को इसको इसी साल की है, स्ट्रेक को चीज़ें तो इसी साल बेची हैं, तो उसको आज ही रिकॉर्ड कर लो, आज एज आप उसको एक्सपेंस या लॉस के तौर पर रिकॉर्ड कर लो। कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, हमने कहा उनके अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट कर ली जाती है। ये जो हमें पैसे नहीं देंगे, हमें लग रहा है कि जो मिस्टर ए हमें पैसे नहीं देगा, हमें लग रहा है कि हमारे पैसे डूब जाएंगे, तो हम कहेंगे कि जो मिस्टर ए ने हमारे पैसा देना था, डेट था ना उसके, मिस्टर ए ने जो हमारे पैसे देने, कर्जा कहते हैं डेट, वो जब डूब जाएंगे तो हम कहेंगे हमें लग रहा है कि वो नहीं देगा तो वो बैड डेट है। अभी बैड डेट जब वो नहीं देगा तब बैड डेट होगा, आज तो वो बैड डेट नहीं है, आज क्या होगा, अभी वो डूबे नहीं है, अभी हमें डाउट है, हमें लग रहा है कि वो डूब जाएंगे, तो जो पैसे लग रहा होगा मिलेंगे नहीं, लेकिन अभी उनकी डेट भी नहीं आई मिलने की, तो उनको डाउटफुल डेट कहते हैं कि हमें डाउट है कि ये नहीं मिलेंगे, तो वो डाउटफुल डेट होंगे। और जो एक्चुअल में जब डेट आ गई, मिस्टर ए ने हमें पैसे नहीं दिए, पैसे डूब गए, हमें मिले ही नहीं, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे बैड डेट है, आज वो डाउटफुल डेट है। डाउटफुल डेट को कैसे कवर करते हैं कि इस साल का जो प्रॉफिट होगा कंपनी उसमें से कुछ अमाउंट निकाल के सेपरेट रख लेगी, जिसको हम रिजर्व का नाम देंगे। वो किस लिए यूज़ होंगे कि हमने कहा कि जब साल ख़त्म हुआ, अगले साल जो हमें उसमें अमाउंट पे करनी थी वो नहीं पे किया, तो हमने जो रिजर्व क्रिएट किए हुए थे, जो प्रॉफिट में से पैसे निकाल के रखे हुए थे, उसको ही यूज़ कर लेंगे। कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि आप, क्योंकि हमें लग रहा था एक्सपेक्टेड लॉस है, तो कंजर्वेटिज्म यही कहता है कि एक्सपेक्टेड लॉस को आप रिकॉर्ड कर लो। ये बेसिकली ये जो कंजर्वेशन कन्वर्ट ये जो कन्वेंशन है कंजर्वेटिज्म की, इसको क्रिटिसाइज भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। किस बेसिस पे किया जाता है, ये बेसिकली अकाउंटेंट को सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने में इंकरेज कर रहे होते हैं। क्या कहते हैं, आपको लगता है आपको सीक्रेट में लॉस होगा, आप रिजर्व बनाते जाओ। रिजर्व बेसिकली अभी हमने बात की कि अपने प्रॉफिट में से पैसे निकाल के साइड पे रखते जाओ, कोई नहीं पूछेगा किस लिए रखे हुए हैं, आप उनके लिए कह दो कि रिजर्व के लिए रखे हुए हैं। इसीलिए इस कन्वेंशन को थोड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है। जो सेकंड कन्वेंशन है हमारे पास वो है फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन ये कहती है कि आपकी जितनी भी जो भी रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है जो यूज़र्स को चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूज़र्स हैं जिनमें क्रेडिटर शामिल है, इन्वेस्टर शामिल है, प्रोप्राइटर शामिल है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो फैक्ट है, जो ज़रूरी है, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो तमाम फैक्ट डालेंगे, उन तमाम फैक्ट के बारे में अपने यूज़र्स को बताएंगे। यूज़र्स ने क्या करना है, किसी भी बिज़नेस के यूज़र्स कैसे जान सकते हैं कि बिज़नेस अच्छा जा रहा है कि नहीं, ऑब्वियस उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ के। हमने कहा तो इसीलिए ये कन्वेंशन कहती है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी भी रिक्वायर्ड या नेसेसरी फैक्ट्स हैं उनको डालेंगे। फुल डिस्क्लोजर में आप अपनी जो किसी भी इंपॉर्टेंट होते हैं फैक्ट्स वो सारे आप उसमें डाल दोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अपनी बैलेंस शीट में डाल दोगे। अगर या तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डालो या नहीं तो हमने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, उनके नीचे नोट्स में लिख दो, स्टैरिक डाल के जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो आप उसके अंदर लिख दो, या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कंपनी के बारे में तो वो आप उसके अंदर लिखोगे।
फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन ये आपको प्रोवाइड करी होती है। तो इसके बाद कन्वेंशन आती है, वो है कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। कंसिस्टेंसी कन्वेंशन आपको ये प्रोवाइड करती है, ये गाइड करती है कि अगर आपने किसी एंट्री को या किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो मेथड अडॉप्ट किया है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उस पार्टिकुलर इवेंट के लिए फिर दोबारा अगर वैसा ही इवेंट कोई अगर होता है तो आप सेम मेथड यूज़ करोगे। आप अपने मेथड को हर साल चेंज नहीं करते रहोगे, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट क्रिएट करेगा। अगर पिछले साल की परफॉर्मेंस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगी उसको अगले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करना हो तो डिफ़िकल्टी आएगी, अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होगा, क्योंकि पिछली दफ़ा जो आपने मेथड कुछ और यूज़ किए थे, इस दफ़ा मेथड कुछ और यूज़ कर रहे हो आप। तो कंसिस्टेंसी मेथड आपको ये कह रहा होता है कि आप जो सेम मेथड यूज़ करो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए या अपने डाटा वगैरह को रिकॉर्ड करने के लिए सेम आप यूज़ कर रहे होते हैं। लॉजिकल सेम, लॉजिकल बेसिस पे नहीं, हम कह रहे हैं कि लॉजिकल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि किसी एक सपोज अगर हम फिक्स एसेट बाय करते हैं तो कंपनी क्या करेगी, उसको कॉस्ट पर करेगी, रिकॉर्ड करेगी। हमने एक एसेट बाय किया है कंपनी ने, सपोज लैंड खरीदी है, कॉस्ट प्रिंसिपल की हमने बात की, तो हमने कहा वो तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, वो 40,000 का खरीदा, हमने कहा वो 4,00,000 का खरीदा सपोज, ये कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा। लेकिन इन्वेंट्री, हमने कहा कि इन्वेंट्री जब परचेज की जाएगी वो या तो कॉस्ट पे या मार्केट वैल्यू पे, जो भी इन दोनों में से कम होगी। कॉस्ट अगर 4,000 है और मार्केट वैल्यू 3,000 है, इतने हमने खरीदी इतने पे है, लेकिन उसके मार्केट में गए बेची नहीं गए, बेचने नहीं गए, वैसे मार्केट में पता किया, उस पता चला वो 3,000 की है, तो जब इन्वेंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा वो 3,000 पे रिकॉर्ड किया जाएगा। अब अगर कोई कहे कि आप तो कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं कर रहे, ये कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हो, ये तो कॉस्ट पे नहीं कर रहे, कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि एसेट अगर कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो रहा है तो नेक्स्ट ईयर कोई भी एसेट होगा वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा, प्रिंसिपल को चेंज ही करना, कॉस्ट प्रिंसिपल हमें यही तो कह रहे थे, कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन इन्वेंट्री के लिए रूल डिफरेंट है, तो रूल्स को मिक्सअप नहीं करना, रूल्स कंसिस्टेंसी नहीं करनी, सिर्फ मेथड की कंसिस्टेंसी करनी है। जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन को आपने डिस्क्राइब करने के लिए मेथड यूज़ किया वो कंसिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी कन्वेंशन है वो है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी बेसिकली रेफर करता है इम्पोर्टेंट आइटम या इवेंट को रेफर कर रहा होता है, आइटम और इवेंट, कोई भी इम्पोर्टेंट आइटम या इवेंट जो होगा वो मटीरियल होगा किसी भी लिए, किसी भी पर्सन के लिए। अकाउंटिंग में मटीरियलिटी कहते हैं कि कोई भी ऐसा नॉलेज जो आपको लगता है या कंपनी को लगता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं उनके डिसीजन को अफेक्ट करेगा, उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर देगा या डिसीजन को चेंज कर देगा, तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देनी है। ये नहीं है कि एक सपोज कंपनी की शेयर प्राइस, कंपनी लिक्विडेशन में जाने वाली है नेक्स्ट ईयर, कंपनी की यही मटीरियल इन्फॉर्मेशन है जो लोग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्रेडिटर्स के लिए भी जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं कंपनी में, ओनर्स के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये लिखी नहीं बात हमें कि ये मटीरियल इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे थे उनको पता था कंपनी, और जब उनको पता चलेगा कंपनी लिक्विडेट होने लगी है तो वो तो नेक्स्ट ईयर इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, तो इसलिए ये मटीरियल इन्फॉर्मेशन थी जो नहीं शो की गई। मटीरियलिटी की कन्वेंशन ये कहती है कि जो भी मटीरियल मेंशन है अब ये अगर इन्फॉर्मेशन शो की जाती सबके डिसीजन चेंज हो जाते हैं, उनके डिसीजन को यूज़र के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती, तमाम इन्फॉर्मेशन जो मटीरियल हों यूज़र के डिसीजन को अफेक्ट कर सकती हूँ मटीरियलिटी कन्वेंशन के मुताबिक, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने लिखनी है। ये बेसिक कन्वेंशन थी ट्रेडिशन या कस्टम से जो रिपोर्टिंग करते वक्त आपको अकाउंटेंट को कंसिडर करने चाहिए। अब हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस क्या होता है और बेसिक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या होती हैं, अब हम उसे डिस्कस करेंगे। बिजनेस हमने कहा कोई भी लीगल एक्टिविटी, कोई भी काम जो आप नफा कमाने के लिए कर रहे हो हम कहेंगे ये बिजनेस है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि वो काम लीगल होना चाहिए। इलीगल काम नहीं, आप ड्रग बेचना शुरू कर दीजिए, प्रॉफिट बढ़ाए इसमें नफा बढ़ाता है तो क्या हम बिजनेस कह देंगे, ये बिजनेस नहीं होता। मैंने कहा कोई भी काम जो लीगल भी हो और नफा कमाने के लिए किया जाए उसको बिजनेस कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी काम कर रही है उसको बिजनेस कहते हैं। बिजनेस की अगर टाइप्स की बात करें तो तीन तरह के आप ज़्यादातर बिजनेस कर रहे होते हो, या तो आप सर्विसेज सेल कर रहे होते हो, सेलिंग सर्विसेज कर रहे होते हो,
या गुड सेल कर रहे होते हो या आप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होते हो। सर्विसेज क्या है? सर्विसेज बेसिकली ये है कि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई काम परफॉर्म करती है, उस काम को बेच रही होती है, सेल कर रही होती है, तो आप सर्विसेज सेल कर रहे हो। इसकी बेस्ट, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ड्राई क्लीनर। आप ड्राई क्लीनर के पास अपने कपड़े देखे तो ड्राई क्लीन करने के लिए, वो क्या कर रहा होता है? आपके कपड़ों को ड्राई क्लीन करके वापस करता है। वो क्या, उसने आपके लिए काम परफॉर्म किया, एक टास्क परफॉर्म किया है। आप ही के कपड़ों को उन्होंने, इसने वॉश करके आपको वापस कर दिया। उसने जो वो टास्क परफॉर्म किया, हमने कहा वो उसकी सर्विस है, वो सर्विस दे रहा है। मोटर वर्कशॉप पे जाएंगे, गाड़ी ख़राब होगी, उनको गाड़ी दें, वो गाड़ी ठीक करके देते हैं। वो क्या करते हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपके एक टास्क परफॉर्म करते हैं जिसकी आपकी प्रोडक्ट काम करना शुरू हो जाती है। और इसकी एग्जाम्पल ब्यूटी सैलून्स आ गए, एयरलाइन कंपनी आ गई। अगर सर्विसेज की बात करें, टीचर्स आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल सर्विसेज दे रहे होते हैं, ब्यूटी सैलून वगैरह आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एयरलाइन कंपनी आपको जहाज नहीं उठा कर देते कि घर ले जाओ, आप उनकी फैसिलिटी को यूज़ करते हो और उससे बेनिफिट उठाते हो। नेक्स्ट है सेलिंग गुड्स। इसमें एक्चुअल में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, आपको कोई ना कोई चीज़ फिजिकल में दे रहे होते हो। सर्विसेज में आपको फिजिकली कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, कोई चीज़ उठा के आप घर नहीं लेते, प्रोडक्ट में आपको फिजिकली कोई चीज़ मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल फूड सेलर, बर्गर वगैरह आप बोल जाते हो, बर्गर खरीदते हो, एक्चुअल में कोई चीज़ खरीदी है आपने, फिजिकली आपके पास कोई चीज़ है, आप उसको यूज़ कर लेते हो। गाड़ी खरीदने जाते हो, गाड़ी वाले आपको, ऑटोमोबाइल कंपनीज होगी, ये तमाम क्या है, ये प्रोडक्ट सेल कर रही होती हैं आपको, ये सेलिंग गुड्स कर रही होती हैं। देन है मैनुफैक्चरिंग, इन गुड्स को मैनुफैक्चर करते हैं, उनसे बनाते हैं, तैयार करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल फैन इंडस्ट्रीज, शुगर मिल्स शुगर बना रही होती है, मैनुफैक्चर कर रही होती है, ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरिंग कर रही होती हैं। ये बेसिक टाइप है जो बिजनेस की, बिजनेस एंटिटी, बिजनेस कह लेंगे उसके लिए साथ, बिजनेस एंटिटी क्या होता है, इकोनॉमिक यूनिट होता है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन में एंटर हो रहा होता है। ये तो हमने एग्जाम्पल की ना, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कोई भी एक्टिविटी जो बिजनेस कमाने के लिए की जाती है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस परफॉर्म कर रही होगी, बिजनेस के ट्रांजेक्शन में एंटर हो रही होगी, उसको बिजनेस एंटिटी का नाम देंगे। और जब बिजनेस एंटिटी किसी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रही होती है, तो उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं, उन्हें समराइज भी कर रहे होते हैं और उन्हें रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं। अब जो एंटिटी, हमने सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स में भी बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट होती है अपने ओनर से, इसको एंटिटी अपने ओनर से सेपरेट होती है। एंटिटी क्या है, हमने कहा कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस कर रही होती है उसको एंटिटी कहते हैं। अब एंटिटी अपने ओनर से सेपरेट होती है, एंटिटी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ये इसका अपना एक रजिस्टर्ड होती है, कागजों में रजिस्टर्ड होती है, अपना नाम से ये चीज़ें बाय भी कर सकती है, सेल भी कर सकती है, ये सू भी कर सकती है, किसी भी केस भी कर सकती है, इस पर भी लोग केस कर सकते हैं, इट कैन सू और कैन बी सू। अब अकाउंटिंग का बेसिक पर्पज, ओनर सेपरेट होते हैं, ओनर कौन होते हैं जो कंपनी को चला रहे होते हैं, कंपनी सॉरी मैनेजर चला रहे होते हैं, ओनर जिन्होंने कंपनी को बनाई होती है, वो सेपरेट होते हैं। अकाउंटिंग क्या क्या पर्पज होते हैं, अकाउंटिंग क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी, एंटिटी का वर्ड यूज कर लें या ऑर्गेनाइजेशन का वर्ड यूज कर लें, उनको उसकी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करती है और उन लोगों को प्रोवाइड कर रही होती है जिनको इनकी जरूरत होती है, यूजर्स होते हैं जो इन इंफॉर्मेशन के। लेकिन पर्सनल अफेयर्स, ये कंपनी के ट्रांजेक्शन को तो रिकॉर्ड कर रही होती है, लेकिन ओनर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना कंपनी की अकाउंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हुआ है उनको रिकॉर्ड करती है, ओनर को रिकॉर्ड, ओनर की एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड नहीं करती है। इसकी एग्जाम्पल लें, हमने कहा मिस्टर ए ओनर हैं एक्स वाई जी कंपनी के, ये कंपनी है जिसके ये ओनर है, ये इस कंपनी के ओनर है मिस्टर जी, इसकी कंपनी के ओनर है। मिस्टर जी ने फर्नीचर परचेज किया बिजनेस के लिए, उस कंपनी में लेके आए हैं। अब बिजनेस कंपनी ये ट्रांजेक्शन, बिजनेस में ये ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड की जाएंगे क्योंकि बिजनेस के लिए था। अगर मिस्टर ए ने फर्नीचर परचेज के लिए घर में पर्सनल यूज के लिए उसने किया कि मैं घर लेके जाऊँ, घर में सोफा परचेज किया, कुछ भी घर के लिए किया उसने, तो ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएंगे क्योंकि ये उसने अपने पर्सनल यूज के लिए किए हैं, इसका बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो बिजनेस में इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा।
इसी तरह हो सकती है एक ही बैंक में बिजनेस का भी अकाउंट हो, कंपनी का भी अकाउंट हो और ओनर का पर्सनल अकाउंट भी हो। तो जब बिजनेस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी तो कंपनी के अकाउंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, ओनर के प्राइवेट पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी हमें यही बता रहा होता है। अब अगर हम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एंटिटीज कितनी फॉर्म्स होती हैं उनकी, बेसिकली इनकी तीन मेन फॉर्म्स होती हैं। नंबर वन इज सोल प्रोप्राइटर या सिंगल प्रोप्राइटर भी चिप इसको कहते हैं। नंबर टू इज पार्टनरशिप। नंबर थ्री इज कंपनी या फुल नेम इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं। ये बिजनेस की जो बेसिकली फॉर्म है ये ओनरशिप के रेफरेंस है, कितने ओनर्स मिलके बिजनेस चला सकते हैं ये कर सकते हैं, कितने लोग इकट्ठे होकर कोई भी काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम डील करते हैं सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटरशिप ये वो बिजनेस होता है, फॉर्म सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस की यही है। इसमें एक ओनर होता है, ओनली वन ओनर, वही बिजनेस को ऑर्गेनाइज भी कर रहा होता है और उसको ऑपरेट भी कर रहा होता है, यानी कम पूरे बिजनेस की ऑपरेशन और ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी एक पर्सन पे होती है। सारा प्रॉफिट भी इसी का होता है, कंपनी जितना भी प्रॉफिट होगा और लॉस होगा वो सारे का सारे एक पर्सन बंदे को चला जाएगा। सिंगल ओनर को बिलोंग कर रहा हो तो उसके पास सारा प्रॉफिट होगा, ओनरशिप भी इसी एक बंदे के पास होगी। इसी से अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, क्या रिटेल स्टोर, स्मॉल स्टोर, आपके गली मोहल्ले में दुकान तो खुल गई है, एक ही ओनर होता है, एक ही शख्स होता है, वही सारे काम परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो कहते हैं हमने कहा उसने सिंगल है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक बंदा ही सारे काम परफॉर्म कर रहा होता है। या हमने कहा कोई स्टोर खुल गया मोहल्ले में, उसने तीन चार लोग मुलाजम रख लिए हैं लेकिन ओनर उसका एक ही है, तो वो एक ही पर्सन उसको ऑर्गेनाइज भी वही करेगा, ऑपरेट भी वही करेगा, तो वो सोल प्रोप्राइटर शिप के अंदर आएगा। कि ये एग्जाम्पल्स होती हैं, पूरी मैनेजमेंट डिसीजन वही एक बंदा उसको कंट्रोल कर रहा होता है। अगर लाइबिलिटी की बात करें, इसमें हमने कहा कि जितना भी प्रॉफिट होगा वो सिंगल ओनर का होगा जिसने उस कंपनी को बनाया होगा, इसी तरह अगर जितना भी लॉस होगा वो भी पूरे वो ओनर अकेला ही बियर करेगा, कोई बाहर से आगे नहीं करेगा मैं तुम्हारा लॉस शेयर करता, वो भी अकेला बियर कर रहा होगा। लाइबिलिटी का मतलब ये है कि कंपनी, एक शख्स मिस्टर ए था, उसने 5,000 से दुकान शुरू की है, सपोज 50,000 से उसने काम करना शुरू किया है, उसने एक स्टोर खोला है। अब अगर मिस्टर ए को लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, उसमें इसमें लोगों का उधार भी देना था कुछ, मिस्टर ए को लॉस हो गया, उसकी दुकान जल गई, साथ दुकान में सामान भी पड़ा हुआ था, सारा जल गया। हमने कहा इसका मतलब उसके 50,000 का जितना भी था सारा जल गया। अब इसने किसी दुकान खोली तो ऑब्वियसली कहीं से उधार में भी चीज़ें लेके आया होगा। अभी उधार पे जिनसे चीज़ें लेके आया, सपोज 10,000 की चीज़ें तो उसने उधार पे ली हुई थी, उनको भी पैसे पे करने हैं, सारा सामान जल गया, 50,000 का उसका पानी फिर गया, हमने कहा सारा दबा हो गया। अब इसकी लाइबिलिटी क्या, अब ये नहीं देखा जाएगा जी उसने तो बिजनेस में 50,000 रुपये लगाए थे, नुकसान में 50,000 होना चाहिए था, 50,000 की चीज़ें तो वैसे ही जल गई, 10,000 का इसने वो लोन भी लिया हुआ है, चीज़ें उधार पे भी लेके आया, तो 60,000 का इसको लॉस हो गया, यानी इसमें ओनर को लॉस, उसने जो पैसे लगाए हैं उससे ज़्यादा भी हो सकता है, सोल प्रोप्राइटर में जो उसने पैसे लगाए उससे ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, और ओनर ये लॉस ये बियर भी कर रहा होता है। अब इसने ये 10,000 पे करना है, चाहे ये अपना घर बेचे, अपनी गाड़ी बेचे, जैसे भी बेचे, अपना ये नुकसान बियर करेगा, ये जिसके नुकसान बर्दाश्त करने की, लोगों को पे करने की जो एबिलिटी होती है, ये लाइबिलिटी जो होती है उसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं, यानी इसकी लाइबिलिटी वो जो अमाउंट उसने बिजनेस में इन्वेस्ट की थी उस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि जितना भी उसको लॉस होगा ये लॉस भी बियर कर रहा होगा, इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, वो अमाउंट इसकी लिमिट नहीं होती, लॉस इतना ज़्यादा होगा इसी ने बियर करना है और पे भी इसी ने करना है। जो नेक्स्ट हमारे पास दूसरी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आती है वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप
पार्टनरशिप बेसिकली दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके काम स्टार्ट करते हैं, टू और मोर पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 20 लोग हो सकते हैं। इसमें सोल प्रोपराइटर में एक ही शख्स होता है, वही काम शुरू करता है, सारा एक ही पर्सन रहता है। पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोग जब काम मिलकर स्टार्ट करते हैं, तो हमने प्रॉफिट कमाने के लिए कोई भी कारोबार करते हैं, तो हमने कहा उसको पार्टनरशिप का नाम दिया जाता है। पार्टनरशिप में जो लोग होते हैं वो प्रॉफिट भी शेयर कर रहे होते हैं और लॉस भी शेयर कर रहे होते हैं। वो तय कर लेते हैं जी, सपोज ए, एक मिस्टर ए है, एक बी है, एक सी है, इन तीनों ने कहा हम मिलकर ना पैसा लगाते हैं और कारोबार शुरू करते हैं, हम कोई स्टोर बना, डिपार्टमेंटल स्टोर स्टार्ट करते हैं। मिस्टर ए ने कहा मैं तो 1 लाख रुपया दूंगा, मिस्टर बी ने कहा मैं भी 1 लाख दूंगा, सी ने कहा मैं 50,000 दूंगा, मेरे पास इतने पैसे, मैं इतने ले, या क्या करेंगे अपने सारे पैसों को इकट्ठे कर लेंगे, 2,50,000 से नया स्टोर बना लेंगे, डिपार्टमेंट स्टोर स्टार्ट कर लेंगे। अब जब प्रॉफिट होगा चीज़ों को बेचने के बाद, तो ये जो प्रॉफिट उससे आएगा वो तीनों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबको उनका हिस्सा मिलेगा, उसके अकॉर्डिंगली जो उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं या जैसे भी वो डिसाइड कर लें वो उसको डिवाइड कर लेंगे। और अगर लॉस होगा तो लॉस भी तीनों मिलके बियर करेंगे। अगर नुकसान, इनकी लाइफ, इनकी भी लाइबिलिटी सोल प्रोपराइटरशिप की तरह अनलिमिटेड लाइबिलिटी की होती है। अगर लॉस हो जाए तो इनकी भी अपनी पर्सनल, तीनों के अलग अलग से पर्सनल प्रॉपर्टीज दिख जाएंगे उस लॉस को पूरा करने के लिए। लेकिन ये भी सिंपल होती है, सोल प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप को कहीं जाकर रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं पड़ती, आप कभी भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। द लास्ट वन इज जॉन्स चॉइस कंपनी। ये एक बेसिकली ये रजिस्टर्ड कराई जाती है, फॉर्म की जाती है अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस के थ्रू, अंडर ऑर्डर इसको रजिस्टर करते हैं, कंपनीज ऑर्डिनेंस। पहले इसको कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 कहते थे, लेकिन अब इसको नाम चेंज करके कंपनीज एक्ट 1917 की तरह इसको चेंज करते हैं। क्या इसमें क्या करते हैं, ज़्यादा से कंपनी में बहुत सारे लोग मिलके पैसा लगाते हैं, कारोबार शुरू करते हैं। कंपनी बेसिकली, हमने कहा कि सोल प्रोपराइटरशिप और पार्टनरशिप में ओनर और बिजनेस सेम ही होता है, अलहदा नहीं होता है, बिजनेस अपने ओनर से अलहदा नहीं होता। अगर बिजनेस का नुकसान हुआ तो ओनर ने बर्दाश्त करना था, लेकिन अब हमने कहा कि कंपनी में क्या होते हैं, ओनर जो कंपनी में पैसा लगा रहे होते हैं वो सेपरेट होते हैं, जैसे ए बी सी इसने मिलके ये पैसा लगाया, और कंपनी सेपरेट होती है, ये आर्टिफिशियल पर्सन होती है, एक इसके अपने लीगल राइट होते हैं, ये लोगों से कर्जा ले भी सकती है, उन्हें दे भी सकती है, कुछ प्रॉपर्टी बाय भी कर सकती है, सेल भी कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, मनी बरो भी कर सकती है, कोर्ट में एक्शन भी ले सकती है। ये जिन्होंने पैसा लगाया था वो सेपरेट होते हैं इससे कंपनी के, ये कंपनी के अफेयर्स में के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। कंपनी को जो चलाने के लिए जो लोग हायर किए जाते हैं वो मैनेजर्स होते हैं, कंपनी को चलाते हैं, या डायरेक्टर्स कहते हैं इनको, डायरेक्टर बेसिकली डायरेक्टर्स कहते हैं इनको, डायरेक्टर्स कंपनी को चला रहे होते हैं। और जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट जो ओनर्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसको डिविडेंड का नाम देते हैं। और जो कंपनी के यहाँ पे कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उनको शेयर होल्डर कहा जाता है, जो टर्म उनके लिए यूज़ की थी वो शेयर होल्डर होती हैं। ये बेसिक तीन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी, जिनके अंदर आप बिजनेस परफॉर्म कर सकते हैं, बिजनेस की ओनरशिप के रेफरेंस से ये उनकी मेन टाइप्स हैं, इसके अलावा भी और टाइप्स होती हैं। स्टूडेंट, ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई मसला हो कोई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।